कि आप जयशंकर साहब का अगर ट्विटर हैंडल देखें तो वो कल जाते जाते उन्होंने खैर थैंक यू का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो तो सारा हुआ, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा और प्राइम मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा कि आपने हॉस्पिटैलिटी भी की और कर्टसी भी शो की। जी, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। जब तक एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे तो ही तरक्की होगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि आप इस वक्त चाइना और इंडिया का कंपेरिजन चल रहा है, ठीक है, अगर हम इंडिया के साथ चलेंगे और पॉजिटिवली चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सारा सिलसिला बेहतर इम्पॉर्टेंट एक समझें कि माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। एक तो शुक्र है कि कॉन्फ्रेंस जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म तो हुई, अवाम भी थोड़ी खुश है, अवाम इसलिए खुश है कि हर चीज़ बंद थी। वज़ीर ख़ारजा को एक दिन का दौरा भाई लाहौर का करवा देते, उनको यहाँ पर लेके आते हैं थोड़ा सा और ज्यादा, वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जा, हमने देखे इंडिया के मैचेस सारे हमने लाहौर में रखे हैं। हाँ। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हो सकती थी कि उनके वजीर खारजा आए हुए, वजीर आए, उनको हम लेके जाते हैं लाहौर में, हम कदाफी भी उनको दिखाते भाई हमने आज से पहले नहीं बनाई। वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया, यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैर भी की और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। और हमारे दोस्त हैं डिप्लोमेट, वो उनको छोड़ने गए एयरपोर्ट पे, अदील खोकर साहब थे और इलियास नजामानी साहब हैं डीजी साउथ एशिया, वो उनको छोड़ने गए। बिलावल भुट्टो इज नथिंग कम्पेयर टू जयशंकर, बिलावल भुट्टो का वो मयार नहीं है, वो जयशंकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इज अ नाइस पर्सन, इज अ नाइस पर्सनैलिटी, इज गॉट अ नाइस पर्सनैलिटी, बट कम्पेयर टू जयशंकर इज नथिंग। तो जयशंकर ने जो बात की है वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और वो एक बहुत एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और आप जयशंकर साहब का देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उनको दो दफ़ा तीन दफ़ा हैंडशेक किया, सब कुछ हुआ, तो उससे पता ये चला कि जयशंकर को बड़ा अच्छा लगा है कि मुझे बेशक आया हुआ एज अ फॉरेन मिनिस्टर, मुझे थोड़ा सा एक वो दे सकते थे कोल्ड शोल्डर शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई कोल्ड शोल्डर नहीं दिया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें की। हमारे दोनों के बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, मैं नहीं समझता पाकिस्तान और इंडिया जो है वो किसी तरीके से तरक्की की तरफ जा सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सुकड़ती जा रही है, लेकिन जो मिलिट्री का बजट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। पौधे की आपने बात किया कि एक विश है हमारी बींग अ पाकिस्तानी और के काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो। हाँ, हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान बॉर्डर जो हैं बिल्कुल ओपन है, तो हमारा भी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, हम एक दूसरे के बन सकते। नमक है हमारे से 3 से 4 रुपए लेकर अगर कोई मुल्क उसको 3150 में जापान में दे रहा है तो हमें क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं कर पा रहे। इंडिया के साथ हमें मिलने का ये फायदा होगा कि आईएमएफ के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे हमारे। भाई सोचना चाहिए, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं दुश्मनी चाहते, ना पाकिस्तानी कौम चाहती ना इंडियन कौम चाहती। कि आप जयशंकर साहब का अगर ट्विटर हैंडल देखें तो वो कल जाते जाते उन्होंने खैर थैंक यू कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो तो सारा हुआ, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा और प्राइम मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा कि आपने हॉस्पिटैलिटी भी की और कर्टसी भी शो की। इट मींस कि वो दोनों लव्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, विच इज़ गुड। और हमारे दोस्त हैं डिप्लोमेट, वो उनको छोड़ने गए एयरपोर्ट पे, अदील खोकर साहब थे और इलियास नजामानी साहब हैं डीजी साउथ एशिया, वो उनको छोड़ने गए। और आप जयशंकर साहब का देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उनको दो दफ़ा तीन दफ़ा हैंडशेक किया, सब कुछ हुआ, तो उससे पता ये चला कि जयशंकर को बड़ा अच्छा लगा है कि मुझे बेशक आया हुआ एज अ फॉरेन मिनिस्टर, मुझे थोड़ा सा एक वो दे सकते थे कोल्ड शोल्डर शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई कोल्ड शोल्डर नहीं दिया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें की। और मेरी ज़ाती नज़र में ये एक अच्छा तासुर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बात हुई जयशंकर साहब की और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, वो बात तो बिजारी बात है इनफॉर्मल डिस्कशन थी, खाने पे जो छोटी मोटी बातें होती हैं, आप कैसे हैं मैं कैसे, सुनाओ जहाज ठीक सी, चटके चुटके तो नहीं बजे, मतलब दैट्स हाउ यू टॉक नॉर्मली, जो एक दूसरे से आप गपशप मारते हैं यही बातें होती हैं और क्या होनी है। कौन सा अभी वो इंडियन मीडिया को मैं देख रहा था, बल्कि मैं खुद भी CNN न्यूज 18 पे था आज, तो वहाँ पे ये सवाल उठाया गया, मुझे ही सवाल किया गया कि जी आप जो है वो
टेररिज्म टेररिज्म कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर बात टेररिज्म की है, जो बात फैक्ट है, मैंने कहा जी आज टेररिज्म की बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जयशंकर पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तान के मेहमान थे, वो चले गए हैं, कोई अच्छी प्रोडक्टिव बात करें। लेकिन आपको पता है मीडिया ने तो फिर बात ही टेररिज्म की करनी है, उन्होंने तो वो चीज़ सुनानी जो आग लग गए। तो मैं उनको ये कह रहा था कि ये ना करें, फिर मैंने जारी बात है, फिर मैंने भी जो मुझसे हुआ मैंने भी किया और जवाब दिए उनको और बताया कि मूव ऑन करने की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। जयशंकर साहब ने आज जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से गपशप मारी है, इट्स अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना एक दो चीज़ होती है वो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर दो मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम वही माजी के गड़े मुर्दे जो है उखाड़ते रहें और कहते रहें तू की कीता मैं की कीता, ये चीज़ है। बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको बात बताऊँ, मेरी भी भारत से जो सहाफ़ी आए हुए थे, हमारी भी ये एक छोटी सी पिक्चर मैंने लगाई हुई है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत से गीता मोहन आई थी, सुहासिनी हैदर आई थी और हमने इत्तेफाक हुआ कि इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात हुई, गपशप की, चाय पी। और मैंने जो चीज़ एक देखी कि इंडियन जर्नलिस्ट बहुत खुश थे पाकिस्तान आके, जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पिछले साल गोवा गए थे जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए थे तो वहाँ पे बड़ा उन्होंने किया, तो इसी तरह इंडियन जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान आके खुश थे। और वो सबसे बड़ी बात क्या थी, कल्चरल अफिनिटी, कल्चरल कनेक्शन। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इन लोगों से मिल रहे थे इंडियन जर्नलिस्ट से, तो ट्रस्ट मी ऐसी लग रहा था जैसे अपने ही लोग हैं, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दूजे मुल्क तो आए ने, कोई और दुनिया है, ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल कि अपने ही लोग हैं, अपने ही हैं, हमारे ही हैं, हम पहले भी बातें करते रहे हैं। क्योंकि मैं इंडिया टुडे पे बहुत जाता हूँ, इंडिया टुडे एक इंडिया का टीवी है, इंडिया टुडे वहाँ पे बहुत जाता हूँ, तो गीता मोहन से कई दफ़ा बात हुई, बड़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टर हैं, दुनिया के बड़े जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिपोर्ट किए हुए हैं और हर जगह पहुँचती हैं। सो बड़ी जैसे कहते हैं ना जर्नलिस्ट हु इज़ अ फुट सोल्जर इंडीड। तो इसी तरह सुहासिनी भी जो है द हिंदू अखबार की नेशनल एडिटर हैं और ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टर भी हैं, लिखती भी हैं। सो बड़ा अच्छा लगा इंडियन जर्नलिस्ट से फ्रेंकली मिल के, अच्छा लगा, हमें बड़ी खुशी थी वो पाकिस्तान आई हैं। लेकिन बस वो थोड़ा सा ज़्यादा इनकी मज़ीद हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए थी, हुकूमत ने कल इनके लिए कवाली का बंदोबस्त किया हुआ था ताकि इनको थोड़ा सा पाकिस्तानी कल्चरल एंड ऑल दैट, सब साफियों के लिए किया था, सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट के लिए नहीं किया था, सबके लिए था ये। तो एक अच्छी वो जिसे कहते हैं ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की एक अच्छी जो थी चीज़ सामने आई और एक अच्छा जेस्चर जो है वो हमने भी दिया, इंडिया के लोगों ने भी दिया और खुल के बातें हो रही थी। मैं आपको बात बताऊं, सारे खुल के बात कर रहे थे, सब अमन की बात कर रहे थे, सब डायलॉग की बात कर